हाय, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग हेलो मैम। आप सबको, सभी को गुड मॉर्निंग। हिंदी देखिए आप काफी गंदा लैंग्वेज की बुक निकाल लीजिए यार। ठीक है, आज मैनेज करेंगे। ये लिटरेचर तो हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। गुड मॉर्निंग ना, लिटरेचर कंप्लीट हो गया, आज हम लोग लैंग्वेज पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग ने लैंग्वेज कहाँ तक कंप्लीट किया है पता है किसी को? ईशा, आकाश, मीत मैम पांडे। हमारा कंप्लीट हो गया था कौन चैप्टर? मैम। मुहावरे मैम, ये कंप्लीट हो मुहावरे। गया। मुहावरे हो गया है। आज हम लोग को क्या पढ़ना है? आपटी मैम गद्यांश। हाँ मुहावरे कंप्लीट हो गया है ना? मैम, कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 15। ठीक चैप्टर 15 स्टार्ट करें। सब आ गए? शाबिया, हम लोगों को कौन सा चैप्टर पढ़ना है आज बताइए। चैप्टर नंबर 15। यस मैम, चैप्टर नंबर 15 15। सब निकाल लो। चैप्टर नंबर 15 लैंग्वेज की बुक का है, पेज नंबर 51 पर है। सब निकाल निकाल लियो। शिवांग, आकाश, मिहिर, ली है, मीत निकाल ली पांडे, मैम। रिया कुमारी। चले अब बोला स्टार्ट करें, बताइए। यस देखो, चैप्टर का नाम है आपठे गद्यांश। ठीक, यस इसका मैम। क्या मतलब होता है आपठे अनसीन गद्यांश? नहीं, हमने बेटा इंग्लिश नहीं पूछा है। ठीक है, क्या होता है? आपको जब किसने लिखा है हर क्लासेस में, जब भी पूछते हैं आपठे गद्यांश होता क्या है, तो आप क्या करते हैं उसकी इंग्लिश बताते। ठीक है, ये जो कि गलत है। अगर हम पूछे क्या होता है, किसे कहते हैं, उसका मतलब उसका अर्थ या मीनिंग। ठीक, ये हमें पूछे कि आप अपने गद्यांश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हमने ये पूछा है। क्यों नो नहीं मैम, ना, इस बस हमने ये क्या पूछा है कि आप अपने गद्यांश क्या होता है जानते हो, हमने ये पूछा है ना। तो आप लोगों को अगर पता है तो हम तक, लेकिन नहीं पता है नहीं, लेकिन उसके इंग्लिश नहीं बतानी चाहिए। क्या अच्छी बात है, आप उन्हें इंग्लिश जानते हो, लेकिन जब भी पूछे तो इसका मतलब होता है उसका अर्थ। ठीक है, जब अगर हम कहें इसका, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तब आप लोगों का आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? देखो, यस आप अखिल गद्यांश का अर्थ होता है आप। ठीक है, आप अखिल का मतलब होता है बिना पढ़ा हुआ। ठीक है, जो पहले से पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, इसका मैम, क्या मतलब होता है? और गद्यांश आप देखे होंगे, पैराग्राफ जिसे कहते हैं, बुक का पैसेज होता है। ठीक है, गद्यांश क्या होता है? 10 से 15 लाइन की आपकी एक स्टोरी रहेगी। ठीक है, गद्यांश मतलब क्या यस होता है? एक 10 से 15 लाइन की आपकी एक स्टोरी रहेगी, कहानी रहेगी या पाठ रहेगा। आपको उसको पढ़ के क्या करना, पहले तो आपने पढ़ा नहीं उस चीज को, ऐसे क्या रहता है कि आप लोगों को जो हमने लिटरेचर में पढ़ाया था, लेसन पढ़ाया था ना, पहले हर चीज का पाठ पढ़ाए थे। क्यों यस बोलो? और फिर उसके बाद आपने उससे जो क्वेश्चन आंसर था, हमने क्वेश्चन आंसर किया था। लेकिन जो आपठित गद्यांश होता है उसमें क्या पहले होता है? कि जो पहले से पढ़ा नहीं गया हो, इसका मतलब ये होता है कि हमने ये स्टोरी पहले से नहीं पढ़ी है। इसको पढ़कर, इस गद्यांश को पढ़ के, जब हम जिस चीज का क्वेश्चन था, फिर उसके बाद आप लोगों के इसमें क्या होगा, एक क्वेश्चन रहता है। ठीक है, उसी आपठित गद्यांश से, तो उसी को पढ़ के आपको उसका आंसर देना रहता है। समझ में आया इतनी चीज आप लोगों को या समझ नहीं? यस मैम
आपके गद्यांश का क्या अर्थ हुआ? यस मैम, यस मैम। ठीक, तो इसका यही मतलब होता है कि देखो यहाँ पे आप जिसकी मीनिंग हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है कि अपठित, अर्थात जो पहले ना पढ़ा गया हो। ठीक है, इसका क्या मतलब है? जो पहले से नहीं पढ़ा गया है। आप लोगों का चैप्टर क्या होता है? पढ़ा हुआ होता है। ठीक, आपके एग्जाम में भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन जो आप अपठित गद्यांश है वो आपका पढ़ा हुआ चैप्टर नहीं होता है। ठीक है, इसका पूरा अर्थ है गद्य का ऐसा अंश मतलब पार्ट, ठीक है, उसका टुकड़ा, अंश मतलब वही होता है, ठीक है, जो पहले ना पढ़ा गया हो, जिसका अंश मतलब आप तो हर चैप्टर पढ़ते हो तब आप उसका आंसर देते हो, लेकिन इसका क्या मतलब है? अपठित मतलब अपठित गद्यांश का जो अपठित मतलब होता है जो पहले से ना पढ़ा गया हो। ठीक है, अपठित मतलब जो पहले से ना पढ़ा गया हो। ठीक है, पाठ का ही भाग, अंश मतलब होता है भाग। ठीक, वो भाग नहीं, डिवीजन वाला भाग नहीं, ठीक है, वो भाग किसी एक चीज के पैराग्राफ का एक भाग हमने ले लिया। ठीक, तो इनको मिला के हम क्या कहते हैं? अपठित गद्यांश, जिसका अर्थ होता है जो पहले से पढ़ा ना गया हो, इसका पूरा अर्थ है गद्य का ऐसा अंश जो पहले ना पढ़ा गया हो, अपठित गद्यांश कहलाता है। ठीक है, समझ गए इसका मतलब? यस मैम। अब इसमें क्या होता है, इसमें ध्यान देने वाली चीजें क्या होती हैं? आपको हमने कभी देखे होंगे, जैसे यहाँ पे है आपका एक पैसेज, ठीक है, आपका एक 10-15 लाइन की एक स्टोरी है। ठीक है, ठीक है, स्टोरी है, आपको इसमें ध्यान देने वाली, इसको आप कैसे करोगे इसके बारे में जान लो पहले, कि आपकी कोई भी 10-15 लाइन की स्टोरी है तो उसको करने के लिए उसमें क्या रहता है? पहले स्टोरी रहेगी और उससे उससे क्या होता है, उससे जुड़ा हुआ आप लोग का प्रश्न उत्तर रहता है। ठीक है, उसी से जुड़ा हुआ 2-4 क्वेश्चन कर रहता है जिसको आपको उसी गद्यांश से पढ़ के आपको आंसर देना रहेगा। लेकिन क्या होता है इसमें कि इसको पहले पढ़ने के लिए ध्यान देने के लिए 3 बातें होती है। ठीक है, अभी आप लोग छोटे हो तो इसलिए ध्यान देने के लिए क्या 3 बातें होती हैं? पैराग्राफ को पहले 2 बार अच्छे से पढ़ो। ठीक है, अगर एक बार में समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो इसको क्या करोगे, उसको पूरी कहानी को 2 बार पढ़ोगे। ठीक है, 2 बार जब पढ़ोगे तो जो कठिन शब्द होते हैं, ठीक है, उसमें देखो कठिन शब्द कुछ होते हैं आप लोगों को तो कुछ, या फिर कुछ ऐसे मेन वर्ड होते हैं जिनको आपका मेन उद्देश्य वही होगा, तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, या तो पहले कठिन शब्द पे या उसमें जिसके बारे में बताया जा रहा है, जिस पे बेस है कहानी, ठीक है, उस पे क्या करना है, अंडरलाइन कर लो और फिर क्या करना है, उसी से पढ़कर उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो पूरा आप अपने गद्यांश का समझ में आ गया, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं बताइए। यस मैम। बोलो, सबको समझ में आया कि नहीं आया? ऋषि, काव्या, जिसे नहीं समझ में आया तो पूछ लो, क्योंकि जब अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आगे कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पहले पूछ लो जिसको ना समझ में आया है। आकाश बता देंगी क्या? क्या पूछ रही हो बताओ? मैम तो एक बार बता दीजिए कैसे, क्या बता दे एक बार, नाम कुछ बोलो तो क्या बताना है। मैम ये मैम जो 15 चैप्टर का सीरीज जो मैम आप पढ़ा रही हैं, मैम उसको एक बार रिपीट करवा दीजिए। देखो आप बात करना पहले बंद करो, शिवान बात करना बंद करो। क्या होता है अपठित गद्यांश का अर्थ होता है, अपठित मतलब होता है ऐसा पार्ट, ठीक है,
वो आपका एक चैप्टर नहीं होगा, ठीक है? 10 से 15 लाइन का एक रहेगा, पैराग्राफ रहेगा आपठित गद्यांश के रूप में, जिसे आपको पढ़कर पहले पढ़ लोगे, उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर देना रहेगा, ठीक है? आपठित का मतलब होता है जो पहले से नहीं पढ़ा गया है, मतलब ये चैप्टर आप लोग नहीं पढ़े हो, चैप्टर नहीं होता है ये, 10 से 15 लाइन ये पैराग्राफ होता है, गद्यांश होता है, ठीक है? उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसको पहले पढ़ना है, ठीक है? उसको रिपीट मतलब दो बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद जब पढ़ लोगे तो उसमें देखना है कि मेन क्या चीज है, मेन किसके बारे में चर्चा की गई है, तो उसको अंडरलाइन कर लेना। उसके बाद जो उसके क्वेश्चन आंसर पूछा गया है उसका आंसर लिखना है, ठीक है? अब क्लियर हुआ? ओके मैम। यस ऋषि। यस मैम। काव्या रिया, समझ में आ गया तुम लोग को? जी सर। यार बताइए। यस मैम। आकाश, रिया, काव्या बताइए आप लोग, समझ में आया कि नहीं? यस मैम, समझ में आया। अब हम चले स्टार्ट करें पढ़ना। यस मैम। देखो जब एक एग्जांपल आप लोग समझ लोगे तो उसके बाद आ जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है? ध्यान देना, ठीक है? जो हम पढ़ रहे हैं उसका ध्यान देना, बीच में कोई बोलेगा नहीं जब तक हम कहना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है? और जहां पे अगर प्रॉब्लम है तो तुरंत पूछिएगा। यहाँ पे एक पैसेज दिया है, ठीक है? इसको हम पढ़ते हैं फिर उसके बाद बताते हैं इसमें करना क्या है। लिखा है, दिए गए गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ो और देखो कि पूछे गए प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार दिए जाते हैं, ठीक है? पहले से हमें क्या करना है, पढ़ना है, ठीक? फिर उसके आगे देखते हैं हम लोग को क्या करना है। समझ में आ रहा है? आवाज क्लियर है ना? यस मैम। बोलो। चलिए। यस मैम। गीदड़ों का सरकार सावधानी से आगे बढ़ा, जो गीदर थे उनका जो सरदार था वो सावधानी से आगे बढ़ा, वहां एकदम चौकन्ना था, वह क्या था, बिल्कुल ही चौकन्ना था, वह समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। फिर उसने लेटे हुए व्यक्ति को बहुत गौर से देखा, वहां पे एक व्यक्ति था जो लेटा हुआ था, उसे बहुत गौर से देख रहा था और समझ गया कि उसकी सांस तो चल रही है, वह क्या देखा कि उसकी सांस तो चल रही है। चुपचाप अपने साथियों के पास आकर सरदार ने कहा, वह व्यक्ति जीवित है, ठीक है? चुपचाप जो उनके साथी थे उन्होंने क्या देखा, पास आकर सरदार से बोला कि वह व्यक्ति जीवित है और उसके पास कुल्हाड़ी भी है। उसने क्या बोला कि जो व्यक्ति जीवित है उसके पास कुल्हाड़ी भी है, वह धोखा देकर हमें अपना शिकार बनाना चाह रहा है। जो गीदड़ का साथी थे, मतलब गीदड़ तो ये सारे थे और उसका जो सरदार था, तो यहाँ पे गीदड़ की बात की जा रही है, तो वो कह रहे हैं, गीदड़ कह रहा है कि जो ये व्यक्ति लेटा है वो हमें धोखा देकर अपना शिकार बनाना चाह रहा है। सरदार की बात सुनकर सब गीदड़ चिंतित हो गए, जो सरदार है उसकी बात सुनकर सब चिंतित हो गए। गीदड़ों की चिंतित देखकर सरदार बोला, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, जो गीदड़ है उसका सरदार बोलता है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उस आदमी को मैं सबक सिखाऊंगा। वो क्या कह रहा है उसका सरदार गीदड़ का, कि सबको मैं सबक सिखाऊंगा, मतलब उस आदमी को। ऐसा कहकर सरदार दबे कदमों से उस आदमी के पास पहुंच गया और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके हाथ की कुल्हाड़ी अपने मुंह में दबा ली। उसने क्या किया, वो आदमी के पास दबे बांह पहुंचा, ठीक है, एकदम चुपचाप पहुंचा और उसे अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने क्या किया, कुल्हाड़ी को गीदड़ ने अपने मुंह में रख लिया, दबा लिया। आदमी समझ गया कि गीदड़ आ गया, आदमी क्या किया, वो बहुत ही तेज समझ गया कि गीदड़ आ गया, उसने कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ लिया, उसने क्या किया, कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ लिया। गीदड़ों के सरकार ने भी कुल्हाड़ी खींच कर एकदम छोड़ दी, कुछ खींच नहीं पाया क्योंकि वो आदमी जान गया कि गीदड़ आ गया, वो कुल्हाड़ी ले रहा है, तो उसने क्या किया, बहुत तेज पकड़ा
लेकिन गीदड़ का जो सरदार था वो खींचकर एकदम छोड़ दी, जिससे आदमी की आंखें खुल गई और वह उठ बैठा। तभी उसे अंधेरे में ढेर सारे काले काले गीदड़ नजर आ गए और वे सब के सब अपने सरदार के पीछे पीछे आ गए थे। उसने क्या देखा कि वहां पे ढेर सारे काले काले गीदड़ खड़े हैं और वे सब सरदार के पीछे आ गए थे। ठीक है, समझ गए। ये आपका 10 से 15 लाइन में ये पैराग्राफ दिया था, गद्यांश दिया था। अब इसमें आपसे क्वेश्चन किया गया है जिससे आपको आंसर देना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, गीदड़ों का सरदार किधर बढ़ा, बताओ। मैम, गीदड़ों का सरदार मैम जो वो लेटा हुआ हुआ व्यक्ति जो बड़ा मैम उससे मैम जो लेटा हुआ व्यक्ति था उसके तरफ बढ़ा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, सभी गीदड़ चिंतित क्यों हो गए। उसके पास तुरादी थी कि वह जानतर ही इधर चिंतित हो गए। वो गीदड़ क्यों चिंतित हो गए थे कि वो जान गया था कि उस आदमी के पास कुल्हाड़ी है जिससे मुझे रोजगार बनाएगा। यस मैम। थर्ड जा रहा है, पता नहीं क्या क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवांश वर्मा। यस मैम। थर्ड क्वेश्चन है, गीदड़ों को चिंतित देखकर सरदार क्या बोला, जो गीदड़ थे उसका सरदार क्या बोला चिंतित देखकर, बताओ। गीदड़ों को चिंतित देखकर सरदार बोला कि वहां लेटे हुए व्यक्ति को सबक सिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, साबिया आप बताओगी आदमी को अंधेरे में क्या नजर आया। उसे मैम अपने आसपास मैम ढेर सारे मैम काले काले गीदड़ नजर आए। ठीक है, नीचे दिए गए शब्द हैं उनसे आपको वाक्य बनाना है। फर्स्ट है चिंतित, चिंतित का क्या वाक्य बनेगा, ईशा रिया बताइए। ईशा कुमारी, रिया कुमारी, चिंतित का वाक्य क्या बनेगा, बोलो, माइक ऑन करो। मैम हम बताए। हाँ बताओ ईशा। मैम चिंतित का मैम मतलब कि जो चिंते में रहते परेशान हो जाते हो। चिंतित देख का सरदार बोला, सरदार गीदड़ चिंतित, सरदार की बात सुनकर गीदड़ चिंतित गीदड़ होता है, गीदड़ नहीं गीदड़ होता है। ठीक है, सरदार की बात सुनकर सभी गीदड़ क्या हुए थे, चिंतित हो गए थे। ईशा कुमारी समझ में आया वाक्य कैसे बनता है। ठीक है, हमने शब्द का अर्थ नहीं पूछा था। ठीक है, हमने वाक्य बनाने कहा था कि चिंतित है उससे वाक्य बनाना है। थर्ड है सॉरी सेकंड है इसमें सावधानी, इसका वाक्य क्या बनेगा, बताओ। मैम हाँ बताओ, आगे बोलो। मैम गीदड़ों का सरदार सावधानी से आगे बढ़ा। तो तुम लोग को ये समझ में आया कि अब इसका आपठित गद्यांश का क्या अर्थ है, कैसे करना है, ये समझ में आया आप लोगों को कि आप ये देखो आपका ये क्या चैप्टर पढ़ा हुआ था, ये जो चैप्टर था कहीं पढ़े थे आप लोग, इसको आपने तुरंत पढ़ा। ठीक है, इसको आप लोग ने क्या किया, इस चैप्टर को आप चैप्टर नहीं होगा, ये गद्यांश है, पैसेज है, तो इसको आपने तुरंत पढ़ा। ठीक है, अच्छे से पढ़ा। अगर नहीं किसी को समझ में आता है तो किसी को तुम लोग दो बार पढ़ा करो। ठीक है, फिर इसमें तुम लोग ने देखा कि किसके बारे में चर्चा की जा रही है, गीदड़ है, सरदार है और एक आदमी है। मेन पॉइंट क्या है इसका, किस पे बेस है ये पूरा, गीदड़ पे एक। हाँ बोलो साबिया। गीदड़ों के सरदार पे मैम
पे और मैम आदमी पे, गीदर का गीदर गीदर के सरदार आदमी पे, तो आप लोगों को वो चीज अंडरलाइन कर लेना है। वो लाइन को क्या करना है, अंडरलाइन कर लेना है कि मेन किसके बारे में चर्चा की जा रही है, और फिर देखना है कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर आपको लिखना है। समझ गई इतनी चीज, बताइए। यस मैम। यस मैम। सेकंड भी कराएं, सेकंड कैसे भी करें। यस मैम। यस करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, हम पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आप ही लोग से पूछेंगे इसका क्या मतलब है, ठीक है। ध्यान से सुनो। जंगल में एक नदी के किनारे नारियल के पेड़ों का एक छोटा सा समूह था। क्या था कि जंगल में एक नदी थी, उसके किनारे किसका पेड़ था, नारियल का, पेड़ों का एक छोटा सा समूह था। यही नहीं, उनकी जड़ों में उगी छोटी छोटी झाड़ियों में गिलहरियों, गिलहरियां, चूहो और नेवलों और खरगोशों के छिपने की भी जगह बनी हुई थी। मतलब जो ये जो पेड़ लगा था, नारियल का पेड़ था, उनसे जो झाड़ियां निकली थी उसमें कौन कौन रहता था, गिलहरी, चूहा, नेवला और खरगोश। बोलो मैम। मीनी की छिपने की जगह थी मैम, उनकी छिपने की जगह, उनके छिपने की, यहाँ उनके छिपने की मतलब रहने की वो जगह थी, ठीक है। इसी स्थान पर एक गिलहरी बिल्कुल अकेली आराम फरमा रही थी। उसी स्थान पर क्या था, एक गिलहरी थी जो आराम कर रही थी। अचानक उसने देखा कि पृथ्वी घूम रही, उसने क्या देखा कि पृथ्वी घूम रही है और पानी है कि चढ़ता ही। मैम पृथ्वी मैम। उसने क्या देखा कि पृथ्वी घूम रही है और पानी है कि चढ़ता ही चला आ रहा है। फिर अचानक उसके कानों में पृथ्वी के फटने की आवाज आई। गिलहरी जो आराम कर रही थी, उसने क्या पहले देखा कि पृथ्वी घूम रही है और पानी है कि चढ़ता चला आ रहा है। फिर अचानक उसके कानों में क्या सुनाई दिया, पृथ्वी के फटने की आवाज आई और एक जोरदार धमाका हुआ मानो ज्वालामुखी फट गया हो। जब पेटे के अंदर ज्वालामुखी होता है वो फट गया है। अब वह गिलहरी डर और घबराहट से कांपने लगी। जो गिलहरी आराम कर रही थी वो क्या थी, डरने लगी और घबराहट से क्या हुई, कांपने लगी। फिर एक और धमाका हुआ और गिलहरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने क्या महसूस किया, एक और धमाका हुआ और ऐसा महसूस हुआ कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने समझ लिया कि प्रलय निकट है। उसने क्या समझा, प्रलय निकट है। ठीक, उसने क्या समझा कि प्रलय मतलब होता है विनाश। ठीक, प्रलय मतलब होता है विनाश, निकट है। अब पृथ्वी धरातल में समा जाएगी। उसने क्या देखा कि पृथ्वी जो है अब धरातल में समा जाएगी। यह तो बड़ा अनर्थ होगा, यह बहुत ही कष्टदायी होगा। पृथ्वी के सभी जीव जंतु और वहां खुद प्रलय के पानी में डूब जाएंगे। गिलहरी ने उछल कर चारों ओर देखा। गिलहरी ने क्या किया, उसने चारों ओर देखा। हवाएं कुछ तेज चल रही थी। उसने दोनों कानों को हिलाया जैसे दाएं बाएं की आवाजें सुनना चाह रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, पूछे, समझ में आया आप लोगों को, बताओ। yes, ma'am. ठीक, अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, सादिया आप बताओगी, ठीक है मैम। गिलहरी कहाँ आराम कर रही थी मैम, नदी के एक नारियल का, नारियल के पेड़ों का एक छोटा सा समूह था मैम, उसके जड़ों में जैसे छोटे छोटे जानवर रहते थे, वो भी उसी में आराम कर रही थी। गिलहरी बिल्कुल अकेले आराम फरमा रही थी। सेकंड क्वेश्चन है ऋषि, अचानक गिलहरी ने क्या देखा, अचानक गिलहरी ने क्या देखा, मैम
बताओ। तक पृथ्वी घूम रही है और पानी चलते ही चला आ रहा है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है शिवान। शिवान शर्मा माइक ऑफ करो। शिवान अच्छा बताइए, गिलहरी ने क्या सोचा? थर्ड क्वेश्चन है, गिलहरी ने क्या सोचा, इसका आंसर क्या होगा? मैम आपकी आवाज फर्स्ट फर्स्ट आ रही, जिसे आ रही है वो बताएं। सादी आप बताओ क्या मैम? गिलहरी ने क्या सोचा? थर्ड क्वेश्चन है, गिलहरी ने क्या सोचा? मैम गिलहरी ने मैम सोचा, अब मैम पार्ले निकट है और मैम पृथ्वी धरातल में समा जाएगी और सारे जीव पानी में डूब जाएंगे। डूब जाएंगे और वहां जीव जंतु क्या हो जाएंगे? धरातल में समा जाएंगे, पानी में डूब जाएंगे। फोर्थ ऋषि आप बताइए, गिलहरी के दोनों कानों को किस लिए हिलाया? जो गिलहरी थी वो दोनों कानों को किस लिए हिलाती है? मैम आवाज सुनने के लिए। मैम आवाज सुनने के लिए, ठीक है। इसका पूरा आंसर है कि गिलहरी ने उछल कर चारों ओर देखा, हवाएं कुछ तेज चल रही थी, उसने दोनों कानों को इसलिए हिलाया जैसे दाएं बाएं की आवाजें सुनना चाह रही थी। ठीक है, ठीक है, क्या पता चला? अब आप लोगों को समझ में आया क्या? आप प्रतीक का ध्यान रखा, ठीक है। बताइए आप लोगों को तुरंत आपकी एक स्टोरी रहेगी, उसको आपको पढ़ना रहेगा 10 से 15 लाइन की, उसको पढ़ के अच्छे से उसी में उसी से क्वेश्चन सब पूछेगा, कहीं अलग से नहीं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो अलग से पूछा जाएगा, उसको क्या करेगा उसी के रिलेट क्वेश्चन रहेगा जिसे आपको पढ़कर उसका आंसर देना है। तो ये चैप्टर कम्प्लीट हो गया, इसकी कुछ एक्सरसाइज है जो आप लोग खुद पढ़ के लिखेंगे। ठीक है, इसके कुछ एक्सरसाइज को आपको खुद पढ़कर देना है। ठीक है, मैम के लिए बस इतना ही। ठीक है, बोलो। थैंक यू मैम। थैंक यू बच्चे, बोलो शिवान। मैम थैंक यू, क्या हुआ मैम? अभी मैम चैप्टर का क्या है? मैम अभी चैप्टर का क्या है? ये वाला चैप्टर तो कंप्लीट हो गया ना, आपका ठीक गद्यांश वाला। ठीक है, आपका ठीक गद्यांश वो कंप्लीट हो गया है। दो एक्सरसाइज है जो आप लोग को खुद करनी है, और जब नहीं आएगा तो हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है? बोलो मैम। चलो, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। बाय मैम।